ग्रेट लेक्चर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टर्निंग मोमेंट का ही फोर्थ पार्ट है। इसके अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं होलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के बारे में कि किसका पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा है। मल्टीपल पीएससीज और गेट एग्जामिनेशन में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसका पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा है। काफ़ी लोगों को इसके ऊपर बहस करके भी सुना है सॉलिड का ज़्यादा है होलो का ज़्यादा है, बट ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन द conditions which is given to us. Okay, तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स देखेंगे। सबसे पहले बात करूँ टॉर्जन इक्वेशन की। टॉर्जन इक्वेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टाउ बाय आर इक्वल टू टी बाय जे इक्वल टू जी थीटा बाय एल। जे क्या होता है? एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसकी वैल्यू पाई डी फोर डिवाइड बाई 32 होती है। ठीक है, थैंक यू। उसके बाद क्या है केटी? केटी क्या होता है? टॉर्जन स्टिफनेस। जी जे क्या होता है? टॉर्जन रिजिडिटी। जस्ट एक डेफिनेशन के तौर पे करा रहा हूँ क्योंकि गेट में हर साल 3 से 4 नंबर की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो वो अलग अलग टॉपिक से होती है। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट अपने क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं करता, वो हर बार एक नया क्वेश्चन लेकर आता है। टाइप सेम रह सकती है, अगर क्वेश्चन का जो वे ऑफ आस्क है और वे ऑफ स्टेटमेंट है सब चेंज हो जाती है, तो अब स्टेटमेंट तो दोबारा पूछी नहीं जाएगी। तो अब देख लीजिए केटी क्या है। केटी टर्न स्टिफनेस है। केटी इज इक्वल टू टी बाय में थीटा। थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टी एल बाय जी जे। तो टी एल बाई जी जे यहाँ पर करूँगा, टी से टी कैंसिल, जी जे ऊपर चला जाएगा डिवाइड करने एल बाय चल रहा। कोई भी अगर दो शाफ्ट में गिवन है लाइक शाफ्ट वन एंड शाफ्ट टू, उसके बीच में मैं अगर टू स्टर कंपेयर कर रहा हूँ तो क्या करेंगे थीटा को कंपेयर कर लेंगे। बट अगर हमें गिवन है कि उसका टॉर्क सेम है तो हम किसको कंपेयर करेंगे? के टी को, क्योंकि के टी के अंदर टॉर्क की वैल्यू नहीं आती। तो के टी कंपेयर कर लेंगे एंड दोनों टू कंपेयर हो जाएगा। अगर हमने देखा था टॉर्क भी सेम है और लेंथ भी सेम है तो सिर्फ हम जी जे कंपेयर कर लेंगे। जी जे बाय जे वन, जे वन इक्वल टू जी जी टू, जे टू मतलब दो शाफ्ट का सिर्फ टॉर्जन रिजिडिटी कंपेयर कर लेंगे, तब भी क्या निकालेंगे हम एंकल ऑफ ट्विस्ट ही कंपेयर करेंगे। दो शाफ्ट का टॉर्क और जो लेंथ है वो क्या है? सेम। इस ये इनकी डेफिनेशन है। टॉर्जन स्टिफनेस इज कंपेयर टू एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ टू डिफरेंट शाफ्ट्स विच इज सब्जेक्टेड टू सेम ट्विस्टिंग। मतलब अगर यहाँ पे सेम ट्विस्टिंग मोमेंट है इसलिए हम कैंसिल कर लिए थीटा की वैल्यू के अंदर, और दोनों का केटी कंपेयर करेंगे तो कंपेयर क्या कर रहे हैं? एंगल ऑफ ट्विस्ट। इज कंपेयर द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ टू डिफरेंट शाफ्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू सेम ट्विस्टिंग मोमेंट। इन सेम टॉर्जन टॉर्जन रिजिडिटी में क्या होगा? उसका ट्विस्टिंग मोमेंट भी सेम होगा और उसकी लेंथ भी सेम होगी। सेम लेंथ है, सेम ट्विस्टिंग मोमेंट। ठीक है, अब जिस जो मेन न्यूमेरिकल आता है कि पावर ट्रांसमिशन किसका ज़्यादा है, तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन दे रखी है। एक सॉलिड शाफ्ट दे रखी है, पोलो शाफ्ट दे रखी है। कुछ कंडीशन क्या है? इसका जो डायमीटर है, इसकी जो लेंथ है, इसका जो मटेरियल है और जो इसके जिस आरपीएम से रोटेट कर रही है वो सब क्या है? सेम है। तो देखते हैं इन दोनों में से किस शाफ्ट का पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे पहले पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? पी एस और डाइवर पी हो गया, पी सॉलिड डाइवर पी हो गया। पावर ट्रांसमिशन क्या होता है? टॉर्क इंटू में आरपीएम। पता है कि आरपीएम क्या है? दो आर रोटेटिंग विद देन दो आर रोटेटिंग विद सेम आरपीएम। तो आरपीएम से आरपीएम कैंसिल हो जाएगा, क्या निकालेंगे? टॉर्क को सॉलिड डिवाइड बाय टॉर्क हॉलो। तो बाय द टॉर्जन इक्वेशन ऑन द फर्स्ट स्लाइड वी कैन सी कि टॉर्क की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? टाओ जे डिवाइड बाय आर। जैसा कि शाफ्ट का मटेरियल सेम है तो परमिसिबल जो स्ट्रेस होगी जिसको वो फेलियर होगा वो सब सेम होगा, तो टाओ की वैल्यू क्या है इसके लिए? सेम है। मैंने बताया कि डायमीटर सेम है तो आर भी सेम, तो डिफरेंस कहाँ आएगा? सिर्फ जे में। तो टी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई टी ऑफ होलो इज इक्वल टू जे ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई में जे ऑफ होलो आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई में जे ऑफ होलो। और जे की वैल्यू आपको मैंने पहले ही बता दिया, 5/32 इंटू डी फोर। ठीक है, तो होलो के लिए क्या होगी? होलो के लिए इसकी वैल्यू होगी, देखते हैं क्या वैल्यू होती है होलो के लिए। होलो का भी वैल्यू होती है इसकी पाई बाय 32 इंटू में कैपिटल डी फोर माइनस में स्मॉल डी फोर। ठीक है, कैपिटल डी फोर माइनस स्मॉल डी फोर। जैसे ही मैं पाई बाय 32 से पाई बाय 32 कैंसिल हो जाए क्योंकि सॉलिड वाले का फॉर्मूला है 5/32 इंटू में कैपिटल डी फोर। अगर मैं इस डी फोर को बाहर बंधन ले दूँ तो उस डी फोर से ये वाला जो ऊपर डी फोर है 5/32 पहले ही कट चुका, ऊपर डी फोर किसका? सॉलिड का। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस में 1 1
माइनस में स्मॉल डी फोर डिवाइड बाय में कैपिटल डी का फोर रह जाएगा, और के की वैल्यू में क्या दे रखी है, स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, आंसर क्या आ जाएगा, वन डिवाइड बाय वन माइनस में के फोर। बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, अगर आप करके देखोगे तो आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या है, स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, स्मॉल डी की वैल्यू कैपिटल डी से कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू एक से कम होगी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि पावर ट्रांसमिशन किसका ज़्यादा है जब जो हमारी दोनों शाफ्ट्स हैं होल और सॉलिड, उनका डायमीटर लेंथ मटेरियल और सेम आरपीएम से रोटेट कर रही है। तो अगर आपको दे रखा कि डायमीटर रेशियो आपका इतना है, कितना है, 1/2 है, अगर डायमीटर रेशियो वैल्यू 1/2 है तो सिंपली आप यहाँ पे 1/2 पुट कीजिए, देखिएगा 1/2 हो जाएगा, 2 का 4 क्या होता है, 2 का 4 होगा आपका 16, 1/16 माइनस में 15 यहाँ रह जाएगा, कितना 15/16 और 16 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से पता लग गया कि पावर ट्रांसमिशन इज सॉलिड शाफ्ट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू पावर ट्रांसमिशन होल ऑफ शाफ्ट, बट द कंडीशन इज दैट द डायमीटर द लेंथ द आरपीएम एंड द मटीरियल ऑल दीज थिंग्स आर सेम ऑफ होल एंड सॉलिड शाफ्ट, ठीक है। ये तो सिंगल कंडीशन की बात है, तो इसका एडवांटेज क्या मिला हमें, अगर हमें सॉलिड शाफ्ट लेनी है होलो शाफ्ट लेनी है, एडवांटेज क्या मिला, हमें टॉर्क ज़्यादा मिलेगा सॉलिड शाफ्ट के अंदर, हमें सॉलिड शाफ्ट के अंदर ही पावर ट्रांसमिशन ज़्यादा मिलेगा, तो ये चीज़ें क्या मिलेंगी, ज़्यादा मिलेगी। बट इन डिसएडवांटेज भी हमें आगे मिली, डिसएडवांटेज क्या मिली, जो सॉलिड शाफ्ट का जो वेट होगा वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू होलो शाफ्ट, होलो शाफ्ट से सॉलिड शाफ्ट का वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा होने से क्या होता है, इनर्शिया ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक वेट की डिसएडवांटेज है, बाकी सारी एडवांटेज ही है, ठीक है। उसके बाद हम देख अब क्या देखना है हमने, अब एक सेकंड कंडीशन क्या कह रही है, द डायमीटर रेशो ऑफ पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ टू डिफरेंट शाफ्ट्स, एक होलो है और सॉलिड है, अब की बात क्या करती है, दोनों का वेट सेम कर दिया, पहले डायमीटर सेम था वेट सेम, दोनों का वेट सेम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है जो सॉलिड शाफ्ट होगा उसका जो डायमीटर होगा वो होलो शाफ्ट के कैपिटल डायमीटर डी से छोटा ही होगा, बाकी सब कुछ सेम है, सेम आरपीएम से ही रोटेट कर रही है, सेम ही लेंथ है और सेम ही क्या है मटीरियल, ठीक है। नेक्स्ट आता हूँ, वही क्या करूँगा, पावर ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड शाफ्ट पावर ट्रांसमिशन ऑफ होलो शाफ्ट को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, दोनों की आरपीएम सेम है तो किसको कंपेयर करूँगा, टॉर्क ऑफ सॉलिड शाफ्ट डिवाइड बाय टॉर्क ऑफ होलो शाफ्ट। अब टॉर्क ऑफ सॉलिड शाफ्ट को टॉर्क ऑफ होलो शाफ्ट को कंपेयर करने के लिए किसको करूँगा, जे ऑफ सॉलिड शाफ्ट डिवाइड बाय जे ऑफ होलो शाफ्ट, वैसे ही कंपेयर किया, ऊपर जाएगा पाई बाय 32 इंटू में डी फोर, नीचे जाएगा पाई बाय 32 अंदर क्या जाएगा डी फोर माइनस में डी फोर डिवाइड बाई एक्स आर होता है, जो कि आपने देखा होगा जिस आर ये वाला आर, तो ये वाला आर क्या होता है, जो शाफ्ट होती है उसका रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस होगा तो यहाँ पे क्या है रेडियस, अब मैं देख एक बार जे की वैल्यू आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, जे बाई आर की वैल्यू कैसे निकलेगी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। जो मैं जे की वैल्यू दे रखी थी वो दे रखी थी पाई बाय 32 इंटू में क्या था डी फोर था, तो नीचे क्या होता है आर होता है, आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी डिवाइड बाई 2, तो इस 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, और ये जो डी है वो डी कंपेयर करके आ जाएगा यहाँ पे डी का क्यूब रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है डी क्यूब डिवाइड बाई डी क्यूब या फिर कैंसिल कर माइनस में के फोर, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है, अगर आप नोटबुक पे करके देखोगे तो निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या हमें दे रखा है कि दोनों मटीरियल का वेट सेम है, वेट सेम मतलब वेट क्या होता है, वेट जो होता है हमारा वो होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, वेट का होता है वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। मैं पहले ही बता चुका हूँ दोनों के दोनों मटीरियल का शाफ्ट का मटीरियल सेम है, अगर मटीरियल सेम है तो डेंसिटी भी सेम होगी, तो वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ होलो शाफ्ट, डेंसिटी या मल्टीप्लाई हो दोनों जगह डेंसिटी कैंसिल हो जाएगी, बच क्या गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो शाफ्ट। एक सिलेंडर टाइप है, सिलेंडर क्या होता है एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ पहले भी बता चुका हूँ कि लेंथ सेम है तो लेंथ से लेंथ कट जाएगी, अब एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ होलो शाफ्ट, एरिया का उसका पाई बाय 4 डी स्क्वायर, सब होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर माइनस में डी वन का स्क्वायर, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल, क्या मिल जाएगा स्मॉल डी बाई कैपिटल डी की वैल्यू, ऐसे में डी कॉमन लिखा तो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में के स्क्वायर,
तो इसलिए जो वैल्यू है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा। कहाँ पे? यहाँ पर पी एस बाई पी एच वन माइनस में के स्क्वेयर वन माइनस में के फोर, इसकी वैल्यू पुट करी मैंने। यहाँ पे क्या हो गया? क्यूब आ गया हमारे पास। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सुपर सी कैलकुलेशन है, जैसे सॉल्व करके हटेंगे उसको लिख सकते हैं वन माइनस में के स्क्वेयर वन प्लस के स्क्वेयर, उसको क्या लिख सकते हैं वन माइनस के स्क्वेयर और एक अंडर रूट का गूगल लिख के दिखा देता हूँ। वैसे तो बहुत सिंपल से कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, दो टुकड़ों में कैसे तोड़ सकते हैं? पहले ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस के स्क्वेयर, एक टुकड़ा ये हो सकता है और एक हो सकता है अंडर रूट के अंदर वन माइनस के स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब है, यहाँ पे थ्री है, थ्री है तो थ्री का क्या हो जाएगा, टू एक साइड आ जाएगा वन एक साइड आ जाएगा, तो उसका स्क्वेयर से स्क्वेयर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, वन माइनस के स्क्वेयर वन टू वन माइनस अंडर रूट ऑफ के स्क्वेयर। और नीचे क्या है वन माइनस में के स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन माइनस में के स्क्वेयर और वन टू में वन प्लस के स्क्वेयर, इस वन माइनस के स्क्वेयर से वन माइनस के स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, अंतर करा जाएगा वन माइनस में के स्क्वेयर, ये राइट टर्म और ये राइट टर्म, क्योंकि के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन है तो ऑब्वियस सी बात हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू वन आएगी। अब क्या हो गया, दोनों शाफ्ट का जो पावर ट्रांसमिशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड शाफ्ट, जो कंपेयर जो आपस में बहस करते थे कंपेयर करते थे हमेशा पावर ट्रांसमिशन सॉलिड शाफ्ट का ज़्यादा होगा, उनके लिए बात क्लियर हो चुकी है कि जब हम पहली कंडीशन में बात कर रहे थे तब इसका ज़्यादा आ रहा था सॉलिड शाफ्ट का, अब जो दूसरी कंडीशन में वेट वाली कंडीशन है उसमें किसका ज़्यादा आया पोलो शाफ्ट का, ठीक है। अब यहाँ पे के की वैल्यू बुट कर देखते हैं लग डी बाई डी एस कल टू वन बाई टू, जैसे मैं वन बाई टू करते हैं सिंपल से कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं 0.69। तो इन दोनों के दोनों न्यूमेरिकल से हम किस रिजल्ट पे पहुँचते हैं, हम पहुँचते हैं कि फोर कंक्लूजन, कंक्लूजन में क्या फोर एक गिवन डायमीटर एक डायमीटर अगर हमें गिवन है तो सबसे पहले बात करता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या डिसएडवांटेज हुई, इसके अंदर हमें क्या हुआ जो रेडियल स्पेस, अगर आप देख सकते हैं फिगर के अंदर आपको दिख रहा है जो वेट सेम है तो इसके अंदर हमें अगर यहाँ शाफ्ट कहीं पर लगानी है तो इसके लिए इतना स्पेस भी हमें जरूरत पड़ेगी, इतना स्पेस हमें इसे देना होगा तभी हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन ले सकते हैं किससे पोलर शाफ्ट से, ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टार्ट बचते हैं फोर एम की डायमीटर, एक गिवन डायमीटर हम लोग भी बन चुके पहली कंडीशन भी थी, तो पावर ट्रांसमिशन किसमें क्या होता है सोलर शाफ्ट एज कम्पेयर टू पोलर शाफ्ट, अगर स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम होलो शाफ्ट लेंगे, क्योंकि होलो शाफ्ट में उतने ही मटीरियल है जितना वेट हम पहले दे थे उतने वेट बाद में दे रहे हैं और हम पावर ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू सोलिड शाफ्ट ज़्यादा हमें मिल रहा है, ठीक है। दोनों कंफ्यूजन से हम कंक्लूड हो चुके हैं दोनों मेडिकल से। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, अपने कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है शेयर कीजिए मेरे साथ ताकि मैं उसको अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। थैंक यू।